जब मेरा नसीब आया वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम हां फिजा वाज अ स्मॉल वन मेरा नसीब वाज सायरा एंड आई वर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ दैट वन अगेन व्हेन मोमना यूज्ड टू अप्रोच मी आई एम लाइक आई एम नॉट अ पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर मैं तो बहुत ही बर्गर हूँ मुझे नहीं आता ये करना क्या पता था कि आप इतने हिट्स देंगी क्या पता था है ना माशाल्लाह इट्स फियर आल्सो बट बिकॉज़ आई हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ तलफ्फुज एंड डिक्शन वोकैबुलरी इज नॉट गुड बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड बिकॉज़ आई कैन मेमोराइज स्क्रिप्ट्स बिकॉज़ ऑफ माय थिएटर बैकग्राउंड सो आई वाज मेमोराइजिंग स्क्रिप्ट्स देयरफॉर आई वाज गेटिंग टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड एंड बिकॉज़ आई वाज सो एम्बैरस्ड के इतने बड़े एक्टर्स के सामने और you know tv world is very different from theater so I cannot be sitting there wasting anyone's time I must come prepared to wo aadat carried through and I think because of that and I was never embarrassed of anyone correcting my urdu koi you know mazak mazak bhi udate the tang bhi karte the theek bhi karte the but that's how I learned my muzakkar monas is they're like kahan aa gayi patan ka bachcha aa gaya abhi But that's very good of you. So that's how you learn. Because लोग conscious होते हैं कि English सही नहीं बोले या ये उर्दू में भी ये चीज़ सही नहीं बोली दोनों तरफ से ही मसला होता है English सही नहीं बोलो तब भी मसला है उर्दू सही नहीं बोलो तब भी आप पकड़े जाते हैं conscious नहीं होना चाहिए पर हम इसलिए conscious होते हैं because people aren't forgiving and people need to be kinder. Yeah. Did you have any experience like that when people were not forgiving with you? You know, if they weren't forgiving, I didn't notice it. Okay. You've got to be like that also. I didn't notice it. I didn't even know what the word koji. Mm-hmm. What's that? Is that a bad word? What does that mean? I don't know actually. You don't know either. Yeah, but I've heard it, but I don't know. I don't know what it means, so it didn't make a difference to me. So you heard that? I read that sometimes or. किस वक्त हुआ था ये? I guess when I was an active Pakistani drama actress. You know, you'd. तो आपको koji बोलते थे? Koji, I've read for other actors too, and I was like, I don't know what it means, so it doesn't. It doesn't affect me. Yeah. Comments on complexion, skin color. I'm like, am I famous or are you? Like, clearly I'm doing something right, and you hiding behind your keyboard are just sitting there bored. So it makes no difference to me. But it all, सारा credit उसका उस इस confidence का मेरे माँबाप को जाता है. Okay. Right? आपके माँबाप आपको पर देते हैं उड़ने के लिए. बहुत से माँ बाप हो जा होते हैं जो काटते रहते हैं बच्चों के पर और फिर वो इनसिक्योर अनकम्फर्टेबल शाय ऑकवर्ड बच्चे बन जाते हैं ग्रोनअप्स बन जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंट ग्रोनअप्स बन जाते हैं सो इफ़ आई वॉज मेड टू फील सफिशेंट होल ब्यूटिफुल कॉम्पिटेंट परफेक्ट द वे आई वॉज एट होम देन आई विल फील दैट वे एनी वेयर क्या आपको लगता है एक दो चीज़ें जो आप रिकॉल करती हैं क्या माई पेरेंट्स माई मदर माई फादर डिड ये दो तीन चीज़ें की या ऐसे मुझे इनक्रेज किया जिसकी वजह से जैसे आप कहिए ना कि मेरे आई वॉज एबल टू फ्लाई सेट कि मेरे पर नहीं काटे यू नो रूल्स थे कि यू नो किसी का दिल नहीं दुखाना और अपने औकात में रहना इन टर्म्स ऑफ लाइक डोंट थिंक यू आर बेटर देन एनीवन एवर अगर कोई मुश्किल में है उनकी मदद करो किसी को अपनी लाइन्स नहीं आ रही कोई डरा हुआ है किसी के पास गाड़ी नहीं है ऑलवेज ऑफर हेल्प That's nice. I think that karma works. You're nice to people, people are nice to you. मुझे कभी कमतर नहीं फील होने दिया किसी भी एरिया में मुझे हमेशा इनक्रेज किया मेरे काम को हमेशा इनक्रेज किया मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे बिकॉज दे इन्जॉयड व्हाट आई वॉज डूइंग एट होम इन स्कूल सो दैट इनक्रेजमेंट दैट यू कैन डू दिस यू आर गुड एट दिस यू कैन डू दिस दैट कॉन्फिडेंस They kept saying it to you. They kept saying, I mean, when I would do things at school or at home, they were like, you know, that was really good or well done. When I wanted to pursue it, I wasn't stopped. It wasn't belittled. It was like, okay, but make sure you have a degree in something else just in case. But they saw how serious I was. Wo karne diya. I've also been working since I was 16. Okay. You know, in the VJing world, I was 17 then or something. Phir, as long as grades aa rahe the school ja rahi thi ye sab kar rahi thi so I was fulfilling my responsibilities as a child to the parents they were fulfilling their responsibility as a parent to support my dreams values acche diye the about helping people mehnat karo never think that you're good you're better than anyone I think that's the biggest lesson is never think that you are better than anyone always give it your 100% and if you fail do not worry get back at it again work harder
basic things and I but think but you know Zanam, it's sometimes ye lagta hai basic hai lekin बच्चों को जो ना हम एज एडल्ट भी हमें अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है फेलियर इज ओके समटाइम्स इट्स ओके नॉट टू अकॉम्प्लिश 100% यू नो एंड बट आप गिव अप नहीं करेंगे यू नो तो वो रिमाइंडर्स हैं एज यू आर ग्रोइंग अप एज यू आर सेइंग मे बी बिकॉज माय पेरेंट्स वर्नट बैंकर्स लॉयर्स फ्रॉम द फाइनेंस वर्ल्ड एनी ऑफ दोज वाइट कॉलर जॉब्स लाइक दैट मे बी दे डिडंट इंस्टिल दैट इन अस लाइक My mother was an art teacher in school. Okay. So you know, she was a yoga teacher and art teacher. My father was an interior designer and consultant. Mm-hmm. So they were still in the creative. My father and my chacha are the greatest mimics. मैं जो accents करती हूँ जिस वो 7 साल पुरानी video जब अब viral होती है वो अब्बा और चचा की वजह से. Okay. Because they would speak in those accents. And you would pick up. And I would pick up and I would do it. And then because you know because I lived in England, my pop was in Paris, so I got that European experience also and. It's from my parents that I got that. So agar wo kisi aur field mein hote to I'm sure wo zara sakht hote mere sath ki hum ye hai aur ye kya kaam hai lekin wo khud hi artist log the to I think that helps abhi hum self confidence uski baat kare to main wahin se continue karti hu aajkal body shaming ya aapki appearance aapka accent ye sab cheeze jo hain jab hum naye आर्टिस्ट से बात करते हैं तो कास्टिंग के प्रोसेस में बड़ी वो हो गई हैं इंपॉर्टेंट हो गई हैं अक्सर उनको स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं जो दिल दुखा देती हैं बेस्ड ऑन दीज फ्यू थिंग्स यू नो अब ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये हो रहा है नहीं होना चाहिए लोग अपने किस्से भी शेयर करते हैं जब आपने स्टार्ट किया था तब भी ऐसा था आपको किसी वजह से कुछ ऐसा फेस करना पड़ा मुझे सोचना पड़ रहा है तो नहीं आई गेस नॉट मुझे नहीं मैंने इतने अच्छे ड्रामे किए सो ऑब्वियसली दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद द वे आई स्पोक और लुक्ड और कैरीड माय सेल्फ नहीं मैंने फेस नहीं किया इन टर्म्स ऑफ लाइक माशाल्लाह से आपकी हाइट इतनी है कभी होता था यार कि मॉडल कहाँ से हीरो लेंगे क्या होगा इस तरह की चीज़ें उनको नहीं होता था मुझे होता था कि मैं हीरोइन फील नहीं हो रही क्योंकि मैं अपने हीरोज की हाइट की हूँ मुझसे लंबा हीरो शायद हुमायूं है और मोहिब और जिब्रान बाकी मेरे हाइट के हैं सो आपको एक इंच लंबे होंगे मुझसे बट दैट यू नो यू कांट रियली सी दैट बट सो गुड कि अगर कभी ये चीज कंसीडर नहीं की जाती थी फ्रॉम द कास्टिंग साइड या ड्रामा में एंड दे वर मोर फोकस्ड ऑन दैट समथिंग आई थिंक रियली दे डिडंट हैव अ चॉइस देन आई थिंक एक्टर्स दे वर यू नो टू आई थिंक दे डिडंट हैव अ चॉइस कम लोग एक्टिंग कर रहे थे इतना ज्यादा रैम्पेंट नहीं था social media wasn't there so people's judgment or comments or opinion I'm guessing that their opinion wasn't there to confuse the producers ki apni decision thi choice thi I think I don't know I'm assuming ke viewers ko khush rakhne ke liye ya ratings ke liye I don't know lekin the film world or the tv world is a narcissistic looks matter how you carry yourself how you walk talk that's the business So you have to groom yourself. So grooming is fine, लेकिन उसकी basis पे discrimination तो नहीं होनी जानी चाहिए उसकी basis पे आपके grooming is definitely essential. I feel that it's not about के beauty या आपका color या कुछ भी grooming or how to carry yourself is comes first. लेकिन उसकी basis पे आपकी आपको discrimination या आपके chances नहीं you know opportunities नहीं I don't know. I'm not gory. I'm very tall. I'm a